हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की पोएम कम आउट विद मी करने जा रहे हैं। कम आउट विद मी कम मतलब क्या? सबसे पहले इसका हेडिंग का क्या मतलब है। कम आउट विद मी मीन्स मेरे साथ बाहर आओ। देयर इज सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल। अब इस पहले तो इस पोएम का राइटर कौन है। राइटर कौन मीन्स ये पोएम किसने राइट की है। एलन अलेक्जेंडर मिलेन ने। ए मीन्स एलन, ए फॉर अलेक्जेंडर मिलेन, ये उसका पूरा नेम है एलन अलेक्जेंडर मिलेन। ठीक है, उसने ये पोइम राइट की है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ए मिलेन। तो अब ए मिलेन क्या कह रहा है। देयर इज सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल, यू कैन हियर द सी इफ़ यू स्टैंड क्वाइट स्टिल। वो कह रहा है कि रिवर के पास सन है और हिल यानी कि माउंटेन्स के ऊपर भी सनशाइन कर रहा है। यू कैन हियर द सी इफ यू स्टैंड क्वाइट स्टिल। अगर आप शांति से करो, पीसफुल माइंड, बहुत शांत माइंड से आप खड़ो, तो आपको सी की भी आवाज़ आएगी। जैसे पानी आगे जा रहा है वैसी आवाज़ भी आपको आएगी, किसकी? सी की। देयर इज एट न्यू पप्पीज एट राउंड अबाउट फार्म एंड आई सा एन ओल्ड सेलर विद ओनली वा। और वो कह रहा है कि वहाँ पर एट नए पप्पीज थे। पप्पीज यानी कि बेबीज ऑफ डॉग एट राउंड अबाउट फार्म। राउंड अबाउट फार्म मीन्स उसके पास की फार्म में, पास की जहाँ पर फार्म मीन्स जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ये पपीज़ हो गए, काउस, बफेलोज, ये सब। ठीक है, एंड और वहाँ पर मैंने उस फार्म में क्या देखा, एक सेलर देखा। सेलर मीन्स जिसकी एक सेलर मीन्स होता है जो कि शिप चलाता है। ठीक है, नाविक, जिसे हम नाविक कहते हैं। उस मैंने एक बहुत बूढ़ा सेलर देखा, नाविक देखा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, जिसकी सिर्फ एक ही आम थी। उसकी एक आम क्या थी? नहीं थी। बट एवरी वन सीज रन अलोंग, कहता जो ये लड़का है ना ए मेलन, वो कह रहा है कि मैंने ये सब देखा, लेकिन जब भी मैं अपने घर वालों को बताने जाता हूँ, हर एक मुझे क्या कहता है, रन अलोंग। रन अलोंग मीन्स जहाँ से चले जाओ। ठीक है, मुझे क्या कहता है, टू गो अवे, यहाँ से जाने के लिए मुझे कहता है हर कोई। रन अलोंग कहते जाओ जहाँ से जाओ। ऑल ऑफ देम सेज रन अलोंग, आई एम बिजी एज कैन बी। सभी कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एवरी वन सेज रन अलोंग, हर कोई कहते हैं यहाँ से चले जाओ। देयर इज अ लिटिल डार्लिंग, इफ आई एम लिटिल डार्लिंग बाई डोंट दे रन विद मी। अब जो वो पॉइंट है, लिटिल मीन्स छोटा, डार्लिंग मीन्स सभी का दुलारा, जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो। तो वो उसे सभी कहते हैं कि तुम बहुत ही हमारे प्यारे, छोटे से प्यारे से हो तुम तो। वो कहता है अगर मैं छोटा सा प्यारा सा हूँ तो कोई भी मेरे साथ आकर क्यों नहीं देखता। वाई डोंट दे रन विद मी, मेरे साथ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं कोई देखता। देयर इज़ विंड ऑन द रिवर एंड विंड ऑन द हिल। अब जो वो लड़का है, वो अब जो ये पॉइंट राइटर है वो कह रहे हैं, देयर इज़ विंड मीन्स रिवर के ऊपर भी विंड चल रही है और हिल के ऊपर भी विंड चल रही है। देयर इज डार्क डेड वाटर व्हील अंडर द मिल। अब वो फिर जो उसने देखा वो ही अपने माइंड में बता रहा, सोच रहा है क्या क्या उसने देखा। और वहाँ पर एक डार्क डेड, डेड मीन्स जो अब जिंदा ना हो जाए, तो अब कोई भी यूज़ में हम उसे यूज़ ना करते हो। वाटर व्हील क्या होता है, जो पुराने समय में ना व्हील्स होते थे, ठीक है, अब लेकिन वो बंद कर दिए हैं। अंडर द मिल, वो ही ना कि एक पुराना व्हील है जहाँ जिसे हम अब यूज़ नहीं करते, कोई भी उसे यूज़ नहीं करता, वो भी उसने देखा। आई सा फ्लाई विच हैड जस्ट बीन ड्रोन, मैंने एक मक्खी, फ्लाई मीन्स मक्खी भी देखी जो कि अब डूब चुकी है। एंड आई नो वेयर अ रैबिट गोज इन टू द ग्राउंड, और मुझे पता है कि रैबिट कहाँ गया है ग्राउंड में, कौन सी जगह पे। बट एवरी वन सेज रन द लॉ, लेकिन जिसे मैं ये सब बताने जाता हूँ सभी कहते हैं यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। रन अलोंग, ऑल ऑफ देम से येस डियर एंड नेवर नोटिस मी। सभी कहते हैं अगर मैं किसको बुलाता हूँ ना तो कहते हैं हाँ बोलो बच्चे, लेकिन कोई भी बाद में मुझे नोटिस नहीं करता। एवरी वन सेज रन अलोंग दियर्स लिटिल डार्लिंग, हर कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन सभी फिर भी मुझे कहते हैं कि तुम हमारे छोटे से प्यारे से हो, लेकिन अगर मैं आपका छोटा सा प्यारा सा हो तो वाई वॉन्ट दे कम एंड सी, जो मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे साथ आकर देखते क्यों नहीं है। ये किसने पोइम लिखी है? एलन अलेक्जेंडर ने। एक्चुअली वो पोइम में बता रहा है कि हम इतने बड़े लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि उनके अपने उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। तो एलन अलेक्जेंडर मतलब इस पोइम में यही बता रहा है। गाइज, अगर आपको मेरी पोइम अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ आई हो, और अगर आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस लाइक बटन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ना आपके स्क्रीन पर एक ऐसे बेल आइकन दिखेगी, और जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगी, ऑल, पर्सनलाइज्ड
एंड नन, आपको ऑल पे टिक करना है। यहाँ पर एक ऐसी आइकन बनी होगी। थैंक यू, मैं जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।